कहते हैं सोना बुरे वक्त का साथी होता है, इसीलिए क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। दुनिया में हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन सोना एक ऐसा निवेश है जिसमें नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर। इसीलिए भारत में सोना खरीदना हमेशा से शुभ माना जाता रहा। भारत में युगों युगों से सोने की खास मान्यता रही और आज भी इसकी मांग कम होने की जगह लगातार बढ़ रही है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इसलिए भविष्य में जब हमारी इकोनॉमी आज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, हमें उसके लिए अभी से तैयार होना होगा और बड़ा होना तय है। हमें इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे आज के और भविष्य के रोल को कैटर कर सके। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इसी दिशा में एक कदम है। यह है दिल्ली की रहने वाली एकता शर्मा। एकता पिछले कई सालों में करोल बाग के पीसी ज्वेलर्स से सोने चांदी की खरीदारी कर रही हैं। ये सोना खुद के पहनने के लिए भी लेती हैं और निवेश के उद्देश्य से भी खरीदती हैं। इसके अलावा ये अपने फ्रेंड सर्कल में सोने के सिक्के भी गिफ्ट देती हैं। इनका मानना है कि महंगाई और अनिश्चितता के दौर में सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रहता है। आपको पता है कि आजकल महंगाई बहुत हो रही है, सो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे गोल्ड कॉइन या बिस्किट्स आप ले सकते हो, सो आपको 100% रिटर्न मिलता है उसका। जब भी आप फ्यूचर्स में उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है एज अ यू नो अपनी एजुकेशन पर्पज से, या फिर आप चाहते हो कि आपको कुछ घर लेना है या बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड या अपनी हेल्थ इशूज से रिलेटेड, तो आप इसको ईजिली यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट पर्पज से यू नो रीसेल कर सकते हो विथ 100% गारंटी। दे गिव यू द 100% अमाउंट। देश में सोना खरीदने के कई तरीके हैं। गोल्ड हमेशा से ही भारतीय निवेशकों की पहली पसंद रहा है। दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल के मुकाबले सोने को हमेशा से बेहतर एसेट माना जाता रहा है। फिजिकल गोल्ड सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसे बड़ी आसानी से दुकानों पर खरीदा और बेचा जा सकता है। सोने में निवेश का दूसरा जरिया है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी गोल्ड ETFI। ये पेपर फॉर्म में होता है, इसमें स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल गोल्ड की तुलना में भी ये काफी सुरक्षित निवेश की कैटेगरी में आता है। तीसरा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे सरकार जारी करती है, इसलिए इसमें सुरक्षा की गारंटी होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शुरुआती निवेश की राशि पर सालाना 2.50% की एक निश्चित ब्याज दर के साथ आता है। इसके अलावा एक और तरीका है डिजिटल गोल्ड का। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सोने में निवेश का एक तरीका है। इसे फिजिकल गोल्ड के तौर पर भुनाया जा सकता है या वेंडर को दोबारा बेचा भी जा सकता है। अगर कोई फिजिकल गोल्ड लेता है उसको ये टेस्ट कराना पड़ता है कि उसकी प्योरिटी 999 है, 995 है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, वो स्विस मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सारी डिटेल्स में अब जानने की जरूरत नहीं है। जो एक प्योर इन्वेस्टर है जिसको सोने में या चांदी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन रेट एटसेट्रा सारी की सारी चीजों में बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाएगा और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी नहीं जो एक्सचेंज के मीडियम पर हो रही है जिस पर टैक्स ना लगे। तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है, इसमें कोई भी फ्रॉड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ संभावना नहीं है, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू रूट होंगी। ये है दिल्ली की रहने वाली शारदा सागर। शारदा उन लोगों में है जो सोने की खरीद बेच दुकान पर ही करना पसंद करती हैं। गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड जैसे निवेश के नए तरीकों को लेकर अभी ये उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हैं। शारदा का कहना है कि उन्हें दुकान के फिजिकल गोल्ड पर ही भरोसा है। इसके जरिए नहीं किया, लेकिन मैं 22 साल से पीसी ज्वेलर से गोल्ड ले रही हूँ। यहाँ का गोल्ड बहुत अच्छा है और यहाँ के गोल्ड लेने से मैंने अपना फ्लैट भी लिया था उसको सेल आउट करने के बाद में, और धीरे धीरे करके और थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया है।
शॉप पर आकर खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती हैं या फिर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है? नहीं, कंफर्टेबल ज़्यादा है, ट्रस्ट वाली बात है, कंफर्टेबल। गोल्ड भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, यहाँ का गोल्ड में प्योरिटी पूरी है। चाहे बढ़ती हुई महंगाई लोगों को परेशान करे या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन लोगों ने सुरक्षित मानते हुए सोने में निवेश को बढ़ाया है। पूरी दुनिया में इस वक्त आर्थिक संकट है। इस मुश्किल समय में भारत में सोने चांदी के कारोबार का एक नया सिस्टम आपदा में अवसर की तरह है। भारत को इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड का एक ग्लोबल हब बनाने में ये एक बड़ी पहल साबित हो सकता है। उम्मीद है कि आजादी के 100वें बरस में हम एक आर्थिक महाशक्ति होंगे और तब ये जो कदम है ना, इसे उसी की एक सुनहरी ईंट के तौर पर देखा जाएगा। तो मोदी ट्रैकर में आज इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।